इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के प्रताप गार्डन से जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट में आता है। आपको बता दें कि वहां नीरज चतरा नाम के एक युवक की हमला कर जान ले ली गई है। आपको बता दें कि मृतक नीरज चतरा प्रताप गार्डन निवासी थे और किसी काम से देर रात बिंदापुर गए थे, जहां उनके साथ ही हादसा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां वह किसी लेन देन के सिलसिले में गए थे, जहां उनका विवाद हो गया और विवाद के बाद कई युवकों ने उन पर हमला कर दिया, जिस हमले में घायल होकर उनकी जान चली गई। घायल अवस्था में उन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उनका शव पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह आपको जानकारी दे दे कि नीरज चतरा की हत्या हो चुकी है और मृतक नीरज चतरा की 3 बेटियां और 1 बेटा भी है। नीरज चतरा जिस समाज से आते हैं, उस समाज में इस घटना को लेकर काफी नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है कि इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में चूक होना अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि कैसे हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। फिलहाल द्वारका पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, वो कानून को हाथ में लेने से गुरेज नहीं करते। अगर लोगों में कानून का डर हो तो शायद नीरज चतरा आज हमारे बीच होते। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।